संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। माना जा रहा था कि तीन दिन के हंगामे के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कामकाज होगा, लेकिन दोनों सदनों में रफाल की गूंज ऐसी सुनाई दी कि कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, तो वहीं कांग्रेस जेपीसी जांच कर राग अलाप रही थी। इस सियासी शोरगुल की वजह से आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा, कहीं की भी तस्वीर देख लीजिए, हर तरफ आपको काम की जगह हंगामा दिखेगा, नेताओं की तू तू मैं दिखेगी। पहली तस्वीर लोकसभा की है, जहां पिछले तीन दिन से बीजेपी राम मंदिर राग अलाप कर हंगामा बरपा रही थी और कांग्रेस रफाल की जांच की मांग को लेकर शोर मचा रही थी। लेकिन आज जैसे ही रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही बीजेपी राम मंदिर छोड़ रफाल पर आ गई। आज बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर जमकर हंगामा बरपाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल डील पर देश को गुमराह करने की कोशिश की है और उन्हें सदन से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जांच की मांग की। इस हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रफाल के शोर से लोकसभा में तो हंगामा बरप ही रहा था कि राज्यसभा भी इस शोर से सुलग उठी। उच्च सदन में भी बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम रफाल पर हर चर्चा को तैयार है, अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोलेगी। वहीं जेटली के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता भड़क उठे और उन्होंने वेल में आकर जेपीसी जांच की मांग की। कांग्रेस और बीजेपी में जारी तू तू मैं के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन जब सांसदों के बीच बहस बंद नहीं हुई तो उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। रफाल पर आज बीजेपी ने जिस तरह से हंगामा बरपाया, उससे साफ है कि वो पूरे सत्र में इसे लेकर हमलावर रहेगी। तो अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में काम होगा या फिर हंगामा ही चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।